हाय दोस्तों, आज आपको जो सामने में दिख रहा है कंडेंसर स्टोरेज टैंक, जिसे CST बोलते हैं शॉर्टकट में, जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे क्या है क्या नहीं है। ये एक पावर प्लांट का ही एक पार्ट है, ड्रम है, जिसमें जो स्टीम कंडेंसर का स्टोरेज होता है इसको बोलते हैं कंडेंसर स्टोरेज टैंक। इसका कैपेसिटी आप देख रहे हुए 0.2 MQ है, जो कि इसकी क्षमता है। और इससे बहुत सारी लाइन जुड़ी हुई है जो कि इधर में सामने में है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्केल है जो कि इसका लेवल बताता है और उसका लेवल के बारे में पता चलता है। और इसमें कुछ ट्रांसमीटर लगे हुए हैं जो कि अपना डिस्टेंस में शो करता है। और आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए, इसको चार्ज करने के लिए या इसको मेकअप करने के लिए मैनुअल वाल है, जो कि इसको खोल कर हम ये करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसका ट्रांसमीटर सेट करते हैं, जो कि हम ट्रांसमीटर एक दिखा हुआ डिजिटल ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको। इसका देखिए, इसमें रीडिंग बता रहा है 0.98 है ना, ये इसका आपका लेवल ट्रांसमीटर है। एक्टिविटी है, देखिए इसमें ये MM शो कर रहा है आपको। ऊपर में देखिए, ये ऊपर साइड में बहुत सारे लाइन लगी हैं जो कि कंडेंसेट, जैसे रिसर्कुलेशन लाइन है आपका, और जो कंडेंसेशन लाइन होती है जैसे आपका जो है ट्रांसमीटर देखेंगे सब कुछ मार में करके बताएंगे आपको, है। और इधर देखिए RCV कंट्रोल वाल्व है, ये जो होता है रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। इसमें मैनुअल वाला आपका रिपोर्ट दिया गया है, जो कि इसको सेट करते समय हम लोग पूरा खोल लेते हैं, खोल कर सेट कर दिया जाता है। जो सेट पर डालेंगे उसका ये कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। ये बात मैनुअली भी इसको आप ये कर सकते हैं, इसका बाईपास से लाइन ये बात, क्योंकि बाईपास अगर ये काम ना करे तो हम बाईपास से इसको यूज कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और ये हमारे सेकेंड फील्ड में TG ऑपरेटर हैं जो कि ये मेंटेन करते हैं।